हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ऐसा स्वागत देखकर एक भाई ने कमेंट बॉक्स में लिखा, भाई बिमल भी रखते हो क्या? अबे भाई पनवाड़ी हूँ क्या मैं? खोके हैं क्या मेरे? मतलब सच में यार, इतना क्रिएटिव माइंड होता है बंदों का। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिएटिव माइंड वाले बंदों के ऊपर आज की वीडियो है, जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको भर के चक्कर मजा दें। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। देख रहे हो क्या लिखा है, भूत प्रेत मासूम बीबी, मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस ट्रक वाले को संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त है, पर इस बात से तो ये पता चलता है कि भाई की बीबी भाई को छेदती होगी। भगवान, ये लोग कर लो बात। दुनिया के एकमात्र बंदा जिसे परम सत्य का ज्ञान हो चुका है। देख रहे हो क्या लिखा है ऑटो में, वाइफ इज गॉड, नमन हो ऐसे भाई को जिसने हमें सही मार्गदर्शन दिया। शाबाश बेटा। सुअरों को नहीं दिखा रहा हूँ, अपने दोस्त को दिखा रहा हूँ, पेड़ के नीचे। आसिकी में भाई का ऐसा हाल कर दिया कि भाई बाद में दिखता है और सुअर पहले दिखते हैं। घबराओ नहीं, हत्या नहीं हुई है, फोटोशूट चल रहा है। सच्ची भाई, मुझे भी यही लगा था कि किसी की हत्या हुई है, पर पता लगा ये तो फोटोशूट है। आपको क्या लगा, यहाँ किसी की हत्या हुई है? सही बात, ये चाइनीज लोग कुछ भी खा लेते हैं। कभी कभी तो लगता है ये दारी के सच में डायनासोर खा गए होंगे। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। एक राशन कार्ड, चार गैस कनेक्शन। भाई ज्यादा खुश मत हो, कहीं तेरा पाइपलाइन ही काट दें। भाई कहाँ से लाते हैं ये लोग इतना दिमाग, कुछ भी लिख देते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इश्क में हमेशा चुनरी नहीं सरकती है, कभी कभी पैंट सरक जाता है। बिल्कुल सही बात, देख रहे हो भाई का पूरा दुकान दिख रहा है, लेकिन भाई को कोई दिक्कत नहीं। प्यार में बाधा नहीं चाहिए, चाहे पैंट आधा निकल जाए। ये तो विकास सर द पबजी प्लेयर लग रहे हैं। विकास सर, मैं पहले बहुत पबजी खेलता था, फिर एक दिन मेरी गाड़ी पलट गई और मेरे घोड़े लग गए। दिल जली मूवी तो आपने देखा ही होगा, जिसमें अजय देवगन को धोखा मिलने के बाद वो आतंकवादी बन जाता है, पर यहाँ सीन कुछ उल्टा है। देखो, प्यार में धोखा खाने के बाद चाहता तो हीरा ठाकुर भी आतंकवादी बन सकता था, पर उसने हार नहीं मानी और दूसरी पटा ली। इसको कहते हैं जुनून। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, इस गाने का मतलब आज समझ आया। अभी तक समझते थे कि सिर्फ बोनेट पे ही इंसान बैठ सकते हैं, पर आज पता चला कि डिग्गी भी बहुत काम की होती है। कुछ भी। एक मुंह कम था बहन, जो दूसरा बनवा लिया। इस घोर कलयुग में यही देखने रह गया था, आज ये भी देख लिया। पर बहन ये बताओ, आप खाती कौन से मुंह से हो? शायद ये बहन अपने पति को भर भर के गाली नहीं दे पा रही थी। ये लो, भाई ने तो सारी हदें पार कर दी। कितनी गहरी बात कर रहा है भाई, कि कुएं की गहराई में जाकर बात करना पड़ गया। एक घड़ा छोड़कर सभी बेचने हैं। आपको क्या लगा वो भी घड़ा है? भाई वो घड़ा नहीं, घड़े वाला है। तुम तो यार मतलब मुद्दा ही खत्म करने पे तुले होते हो। भगवान। देख रहे हो ट्रक के पीछे क्या लिखा है, वाहन चलाते हुए सौंदर्य के दर्शन ना करें, वरना देव दर्शन हो सकते हैं। ऊपर से ये और लिखा है, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी। मतलब सच भाई, इतना खतरनाक चेतावनी कौन देता है? जा पूछ क्या। बस जीवन में इतना टेंशन फ्री होना सीखना है। देख रहे हो भाई का ट्रक पलट गया, पर भाई को घंटा टेंशन नहीं है। चाहे आलू बिखरे या प्याज, कोई लेना देना नहीं है। लो, रामदेव बाबा की मौसी मिल गई, लेकिन अभी कुछ जलन खोर बोलेंगे ये रामदेव की मौसी नहीं है। शादी तो होकर रहेगी, आज चाहे आग बरसे या तूफान आए। ऐसा भी क्या जुनून है भाई शादी का, जो घोड़े को ही झरनों में कुदा दे। शर्म करो, भगवान से डरो। मैडम को इतनी जल्दी थी कि मैडम ने बालों से कंघा निकालना ही जरूरी नहीं समझा। कौन है ये लोग? सीमा कहाँ हो तुम, इसे मिल जाओ, नहीं तो ये और जाने कहाँ कहाँ लिखेगा तुम्हारा नाम और गजनी बन जाएगा। अरे भाई कोई मिलवा दो इसको सीमा से, कहीं भाई सीमा के चक्कर में सारी सीमा पार ना कर दे।
तो बस दोस्तों यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी थोड़ा सा हंस सकें। और अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसी फनी वीडियोज और इमेजेस हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हो हमारे झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल से जुड़कर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।